हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेखाज फिटनेस पर। अपने इस चैनल को ग्रो करने में मेरे जो भी भाई हैं, दोस्त हैं या मेरे फैमिली मेंबर हैं जो इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यार बनाए रखें ताकि अपना यह चैनल और भी ग्रो करता रहे। आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन की, जो कि मेंस प्रिंसिपल हार्मोन भी है। इसको हम सेक्सुअल हार्मोन भी कहते हैं। इसकी सेक्सुअल हार्मोन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस उस व्यक्ति की लिबिडो कम हो सकती है, उसका मूड अपसेट रह सकता है, साथ ही साथ वो पर्सन जिसका टेस्टोस्टेरोन लो है वो ओबेस्ट भी हो सकता है, यानी मोटा भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट किया सकता है। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के ही आप अपना मसल मास या स्ट्रेंथ है या कोई एथलीट है अपने गेम में परफॉर्मेंस के लिए यूज कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 फुट की जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। आज पहले नंबर पे हम बात करते हैं लहसुन और शहद की। लहसुन जिसको इंग्लिश में हम गार्लिक कहते हैं, और दूसरा हमारा जो फूड है शहद। हम लहसुन और शहद से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपना टेस्टोस्टेरोन, उसके बारे में बात करें। पहले हम बात करें लहसुन की। इसके अंदर एलाइसाइन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ लहसुन का फायदा हमारे कैलेस्ट्रोल को में भी होता है। ये गुड कैलेस्ट्रोल को बढ़ाता है और बैड कैलेस्ट्रोल को कम करता है। अब बात करते हैं हम शहद की। शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। आयुर्वेद में देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को टेस्टोस्टेरोन की कमी है या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो उनको हनी और गार्लिक का सेवन कर दिया जाता है ताकि उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सके। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पे हम हरे पत्तेदार सब्जियां की, जिसे में है जैसे कि पालक है, मेथी है, बथुआ है। इनके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन तो पाया जाता है, साथ के साथ इसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिंक हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, साथ ही उनको बैलेंस बनाए रखता है, और मैग्नीशियम हमें गुड स्लीप लाने में हेल्प करता है। जितनी आपकी अच्छी गुड स्लीप होगी, उतना ही आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में आपकी हेल्प मिलेगी। हम तीसरे ऐसे फूड की बात करेंगे जो डेली रूटीन में हम यूज़ भी करते हैं और स्किप भी कर देते हैं, वो है हमारा दूध और घी। हम अपने डेली रूटीन के अंदर स्कीम मिल्क, यानी कि जो कम फैट वाला दूध हम इंक्लूड करके अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूध के अंदर विटामिन डी पाया जाता है जो सीधा सीधा हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा बात करते हैं उसमें घी की। घी के अंदर गुड सेचुरेटेड फैट पाया जाता है। हमें अपनी पूरी दिनचर्या के 20% जो हमारे को फैट लेना होता है, गुड फैट लेना होता है, उसका 30% हमें सेचुरेट फैट की नीड होती है, ताकि हमारा टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस किया जा सकता है, जो हमें घी से प्राप्त होता है। हम 4 नंबर बात करेंगे हम बीन्स की। बीन्स यानी फलियां, फलीदार सब्जियां, जैसे कि बीन्स में मटर होगी, फली होगी, या ब्लैक बीन होगी या वाइट बीन होगी, इनके अंदर भी भरपूर मात्रा में जिंक पाया जाता है, जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे सीड्स की, यानी बीज की, जिसके अंदर हमारे पम्पकिन सीड है, चिया सीड है, सनफ्लावर सीड है, आलमंड्स हैं यानी बादाम है, अखरोट है। इनको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करके आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। इनके अंदर प्राइमरी गुड फैट तो पाया जाता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे जो टेस्टोस्टेरोन को है बढ़ाने में हेल्प करता है। प्लीज़ आप इन 5 फूड को इंक्लूड करें ताकि अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करके अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकें। जो भी आपका गोल है, मसल मास है या स्ट्रेंथ बिल्ड है या कोई ओबेस पर्सन हो, फैट बर्न करना है, तो आप अपना उसमें हेल्प कर सकें। और साथ ही साथ जो जिन बंदों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लिबिडो की कमी है, तो वो भी अपनी दिनचर्या में इन 5 फूड को इंक्लूड करके अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे 5 से 6 आयुर्वेदिक हर्ब हैं जिनसे भी हम अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।